मैं कुछ ट्राई करूं, शायद कुछ हो जाए। आप तुम्हें रिचार्ज करने की कोशिश करती। तुम क्या मुझे खाक रिचार्ज करोगी? मैं वो बैटरी हूँ जिसमें ना तेजाब है, ना पोल्स है, ना ही करंट है। मैं आशु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक मिनट, ये रखो रखो। और सुनो, भूषण को ये बिल्कुल मत बताना कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, ओके? उसे तुम यही कहोगे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, ठीक है? और रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, ओके? ओके, टेक केयर। क्या मुझे खाक रिचार्ज करोगी? मैं वो बैटरी हूँ जिसमें ना तेजाब है, ना पोल्स है, ना ही करंट है। मैं मैं जन्म जात न भूल सकूं, मुझे मर जाना चाहिए। तुझे मरना नहीं, जीना होगा मेरे और मेरी अनु के लिए। शादी करनी होगी तुझे अनु से, शादी तू करेगा लेकिन सुहागरात मनाएगा ये भूषण। क्योंकि जब अनु को पता चलेगा कि उसके जीवन की डोर जिसके साथ जुड़ी है उस डोर में करंट ही नहीं है, तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे बिना करंट के? फिर अनु हो जाएगी विधवा, जीवित पति की विधवा, और उस विधवा का सहारा बनेगा ये 440 वोल्ट के करंट वाला हैंडसम सलमान खान से भी ज्यादा एट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक भूषण वर्मा। फिर रहेगी जिंदगी में ऐसी ऐस। बैठने को नहीं कहोगी? खड़े हो जाओ। ऐसी भी क्या नाराजगी अनु? नाराजगी? कैसी नाराजगी? एंड वू आर यू? नाराज अपनों से हुआ जाता है। गेट आउट। माफ नहीं करोगी अपने दोस्त को? देखो, ये फिल्मी बातें मेरे साथ मत करो। कोई भी इंसान धोखा सिर्फ एक बार खा सकता है, और एक ही इंसान से दूसरी बार धोखा खाना बेवकूफ इंसान ही कर सकता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। समझ सकता हूँ तुम्हारी नाराजगी, समझ सकता हूँ अनु, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करनी। 5 मिनट बात कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? बैठ सकता हूँ 5 मिनट की? बोलो। बैठो। पहली बात यह है अनु कि मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने जो किया है उसे गलती नहीं कहते। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, मत मानो, ठीक। दूसरी बात यह है कि आज के बाद मैं खुद को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर रहा हूं। वो तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूं। यार तुम्हारा बिहेव किस तरीके का है? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? पॉइंट पर आओ। ठीक है, देखो अनु, मैं चाहता हूं कि तुम आशु से ही शादी करो। वो तो मैं कर ही रही हूं। नहीं, सच में वही तुम्हारे लायक है। मैं तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे कदम बहक गए। सच कहूं ना अनु, मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो गलती की थी। देखो, सबकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार सब कुछ होता है। आगे बताओ अनु। तुम, मैं और आशु बहुत गहरे दोस्त हैं, सालों से है। नहीं थे, तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी और दोस्ती से निकाल दिया है, और आशु अब मेरा दोस्त नहीं, होने वाला हस्बैंड है। और कुछ कहना है?
चलो ठीक है, तुम्हें जो लगता है, लेकिन मैं और आशु दोस्त है और रहेंगे। मैं भी आशु को फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ दोस्ती रखें या ना रखें, ये उसका पर्सनल मैटर है। चलो ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव बात की तुमने। मैं हमेशा ही पॉजिटिव बातें करती हूँ, तुम्हें उसमें नेगेटिविटी दिख रही है ना? ओके अनु, गलती हो गई थी मुझसे। भले ही उस दिन मेरे कदम बहक गए हो, उस दिन कुछ लम्हों के लिए मेरा चरित्र बिगड़ा हो, लेकिन बाय नेचर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम भी जानती हो। और रही बात आशु की, आशु को मैं भाई की तरह मानता हूँ, सालों से जानता हूँ उसे। भले ही तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि तुम आशु के साथ हो, आशु की जिंदगी में हो। आशु ने मुझे पहले बताया होता कि वो तुम्हें चाहता है, तो मैं कब का तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला गया होता। चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा नहीं अनु, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अनु, कि मुझे लगता है अभी भी तुमने मुझे माफ नहीं किया, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ऑल राइट, कर दिया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप पर कॉलिंग से मेरा नंबर अनब्लॉक करो। ठीक है। हाँ, मगर ध्यान रखना कि अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, भाभी हूँ, सिर्फ भाभी। जी अनु, भाभी। और मैं भी तुम्हारा दोस्त ना रहकर देवर हो गया। सिर्फ देवर? तुम मेरे देवर नहीं, जेठ हो शायद, क्योंकि उम्र में तुम आशु से बड़े हो। उम्र की बात छोड़ो भाभी, दोस्ती में जिसकी शादी पहले होती है उसी को बड़ा माना जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं तुम्हारा देवर। ओके देवर जी, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना। जी 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 अनु भाभी। अब बताइए क्या लोगे, चाय या कॉफी? जी जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं अनु, सॉरी भाभी जी, आप बस एक ही बात करनी है कि आशु का ध्यान रखना, थोड़ा उसे परेशान मत करना, तकलीफ मत देना प्लीज। और जो काम आशु ना कर पाए, और उस काम के लिए उसका दोस्त भूषण हाजिर है आपकी सेवा में। जी देवर जी, आपको ही बताऊंगी। थैंक यू, चलता हूं। जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा अनु। कितना बोला था मैंने? वैसे तुमने चार भी कहा था और पांच भी, जो चाहे दे दो। सारा शहर मुझे भूषण के नाम से जानता है, और भूषण ये बहुत अच्छी तरह जान गया है कि उसके दोस्त ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, तो फिर पैसा कैसा माय डियर? वो मेरा टाइम खोटी हुआ ना, उसका क्या? ना मेरे दोस्त में खोट होती ना तुम्हारा टाइम खोटी होता, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पूरे 5,000। जो टाइम तुमने मेरे दोस्त के साथ खोटी किया है वो मैं वसूल करूंगा। बहुत कमीने हो तुमसे कई ज्यादा। इस तारीख को तुम पूरी रात मेरे साथ रहोगे। Seriously? बजट बढ़ जाएगा भूषण बाबू। कितना बजट माय डॉग? यही कुछ 50,000। ओ मैडम, तू कायरा ईमान ही है, सनी नहीं, 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है। और सुनो,
तुम्हें दुल्हन के गेटअप में आना होगा सुहागरात वाला। क्या? तुम साइको क्या? तुम जो भी समझो, लेकिन 27 तारीख को मेरी शादी थी किसी के साथ, जो मुझसे ना होकर किसी और से हो रही, और मैं अपने सुहागरात बेकार करना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ इसी जगह सुहागरात मनाऊंगा। वाह क्या सोच है। और ये भी तय है कि मेरी एक्स मंगेतर के साथ असली सुहागरात भी मैं ही मनाऊंगा। वो कैसे? इट्स माय पर्सनल मैटर, आई विल नॉट शेयर विद यू। ना तुम्हें बताऊंगा बाद में, वैसे भी हम तो मिलने ही वाले हैं।